ये मटर नहीं है, ये ना आजकल नीम के पेड़ पर लग रहा है इसलिए ऐसा मटर। ये कह रहे हैं ये मटर नहीं है, क्या है ये है? ये ना मटर नहीं है, ये अब नीम के पेड़ पर लगती है ये वाली फली। जादू जादू देखो ऊपर, ये क्या हो रहा? सर्दियों का टाइम, मटर भी छील रहे हैं साथ साथ में खा भी रहे। सर्दियों के टाइम आते ही ना जादू आ जाते हैं। कह रहे हैं ये मटर की कैसी फली है मटर की, ये मटर पर नहीं तो ये ना नीम के पेड़ पर लग रही है, इसलिए ना कुछ अलग है। देखो ऊपर सही ना है, हल्की है फली। कैसे सही ना, मतलब क्या कमी है इनमें? तो ये ऐसी तो हो जाता जब इसे टूटने के बाद में ये पत्ते इसके एकदम मुरझा गए ना, है मटर की फली ना ये, तो फिर ये क्या वो है मटरी। चलो अब कोई नहीं, मटरी की सब्जी खाना आ जाओ ठीक है। लंच मैंने कर दिया है, सारे लंच में पपाया ले जा रही है और इधर मैं चाय बना दूँ अपने और बच्चों के इनके लिए। तो सानिया अपने कपड़ों प्रेस करने करके तैयार हुई थी, तब तक मैंने चाय बना दी थी, तो हमने चाय पी ली। सानिया चली गई स्कूल, रियान की छुट्टी थी उस दिन, वो लास्ट उसका प्रैक्टिकल था ना सानिया का, तो इसलिए रियान घर पे ही था। तो सानिया ने मना कर दिया था लंच ले जाने के लिए, मम्मी मैं लंच नहीं लेके जाऊँगी, तो मैंने उससे बस पपाया लेके जाऊँगी, तो मैंने पपाया काट दिया उसके लिए क्योंकि उसकी तबीयत भी थोड़ी ऐसी हो रही थी। तो अब मैं इसके पापा के लिए चाय हमने पी ली थी चारों ने, सानिया चली गई थी, तो मैं इसके पापा का लंच बना रही हूँ और सब्जी मैंने बना दी थी। आपने देखा था ये मटर छील रहे थे, हंस रहे थे कि मटर नहीं है, ये कैसा मटर है, ये मटर ही है। तो वो फली ना कुछ अजीब सी थी मटर की, बड़ी बड़ी लंबी लंबी सी, तो कह रहे थे ये मटर नहीं है, ये क्या है, ये कैसा है। जब मटर को तोड़ लेते हैं तो उसके साथ जो उसकी वो आ जाते हैं तो पत्ते से, तो वो तोड़ने के बाद में मुरझाए तो हो ही जाते हैं, तो कह रहे थे ये ऐसे सूखे सूखे से हो रहे हैं पत्ते इसके, तो एक आध टहनी उसमें आ जाती है, तो मैंने कहा ये ऐसे हो जाता है मटर तोड़ने के बाद में, तो उस चीज़ पे हम हंस रहे थे। तो अब मैंने वो आलू गाजर मटर वो भी मिक्स वेज सब्जी बना दी, तो उसके साथ पराँठे अच्छे लगते हैं, बोले पराँठे बनाना, तो बस मैं उन्हीं के लिए पराँठे बना रही हूँ। और ये मैं सुबह 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 9 बजे अब 8:30 शायद 8:30 बज रहे थे, क्योंकि 9:45 9:09 बजे तक चले जाते हैं इसके पापा, तो मैंने जब तक इनका लंच बनाया था तो मैंने इनका लंच बना के दे दिया। अब देखिए ये जा रहे हैं, तो गाइस देखिए पापा जा रहे हैं, तो गाइस मम्मी मेरे लिए और अपने लिए बनाएंगे अब नाश्ता, पापा जा चुके हैं जॉब पर, तो अब हम नाश्ता करते हैं। टाइम हो रहा है 9:10, अप्पी जा चुकी है स्कूल। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, हम भी बहुत अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो देखिए सानिया स्कूल जा चुकी है, सानिया का आज प्रैक्टिकल है, कल आज है और कल उसका लास्ट प्रैक्टिकल है, तो जिस दिन सानिया का प्रैक्टिकल होता है उस दिन रियान की छुट्टी होती है, तो ये स्कूल नहीं गया है। और इसके पापा भी जा चुके हैं, मैंने उनका लंच बना के दे दिया, और सानिया लंच नहीं लेके गई है क्योंकि वो जल्दी आ जाएगी, बस थोड़ा सा पपाया लेगी वाके और नाश्ता करके चली गई। तो सानिया की तबीयत थोड़ा ठीक है आप लोगों की दुआओं से, अब उसकी तबीयत बहुत अच्छी है, आराम है उसे, अब इतनी तबीयत वो नहीं है, लेकिन उसका प्रैक्टिकल है आज, तो इस वजह से उसे जाना पड़ा स्कूल। तो देखिए उसकी ये दवाई आज तक की ही थी, मैं आज शाम को उसे दवाई फिर से दिला के लाऊंगी और तबीयत अच्छी हो जाएगी। और मैं अपना और रियान का नाश्ता बना लेती हूँ जी। मेरा और रियान का नाश्ता तैयार हो चुका है, लाइट तो जला ले बेटा, अंधेरे में ही बैठा। हम पहले कर लेते हैं माँ बेटा नाश्ता, उसके बाद मैं करूँगी काम। अच्छा लाइट चली गई थी, अच्छा तो चलिए पहले हम नाश्ता कर लेते हैं, आ जाइए आप सब भी नाश्ता कर लीजिए। फ्रेंड नाश्ता हमारा हो चुका है और मैं अपने काम पे लग जाती हूँ, और आज मौसम आपको पता ही है, कल पूरी रात बारिश हो रही है, पूरी रात बारिश हुई है मतलब, और अब
तो अब तो नहीं है, लेकिन ठंडी ठंडी हवा चल रही। कल दिन में बारिश थी और पूरी रात बारिश हुई है, तो मौसम भी ठंडा हो रहा, बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही है। तो चलिए मैं लग जाती हूँ अपने काम पे। आज मुझे फ्रिज भी साफ़ करना है। फ्रिज में थोड़ा वैसा तो साफ़ ही है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हो जाता है, तो मैं थोड़ा साफ़ कर दूँगी फ्रिज को भी। तो ठीक है, चलिए फिर लग जाती हूँ अपने काम पे मैं। जान है, नाश्ता करने के बाद इसने खाया है पपाया और मुंह दिखाने में शर्म आ रहा है। इसे शर्म आ रही है? नहीं आ रहा। अरे मेरे शॉल से साफ कर दिया मुंह, बदतमीजी ना कर। लग जाती हूँ अपने काम पे, काम से फारिग हो जाती हूँ जल्दी से। जैसे कि ये बाहर वाले रूम की मैंने चादर झाड़ के बिछा दी है और ये कंबल की तय बना दूँगी। फिर मैं अंदर वाले रूम की भी कंबल की, तीनों कंबल की मैं क्या करती हूँ, अब इतनी सर्दी नहीं है तो मैं तीनों कंबल की तय बाहर ही रख देती हूँ। जब हमें ओढ़ना होता है तो हम उठा के ले आते हैं, और नहीं तो ऐसे ही बाहर ही रखे रहते हैं। फिर बेड पर नहीं लगाती हूँ मैं अब कंबल। तो देख, कंबल की तय करने के बाद मैं जो मैंने रात कपड़े प्रेस वगैरह करे थे, रात में मैंने करके रख दिए थे कपड़े प्रेस की, तो मैं उन्हें सुबह अब अपनी जगह रख रही हूँ। जो बेड वाले थे वो बेड में रख दिए हैं, जो सेफ में रखने थे वो सेफ में रख दिए हैं, जो हैंगर में लगाने थे वो हैंगर में लगा दूँगी। और अब मुझे आज अपना शॉल भी, ये जो ओढ़ा हुआ मैंने, ये धो दूँगी और ये वाला शॉल मैं निकाल लूँगी। तो देखिए मैं वही शॉल निकाल ली हूँ, और बेड शीट भी मैंने देखी बिछा दी थी अच्छे से, और बाहर किचन भी मैंने क्लीन कर दी थी। ये बर्तन रह गए थे, ये बर्तन धोऊँगी अभी। उसके बाद में फ्रीज, बर्तन धोने के बाद मैंने फ्रीज साफ़ कर दिया। नहा ली थी मैं पहले काम करके, सारा नहा के उसके बाद मैंने फ्रीज साफ़ कर दिया है, बर्तन वगैरह धोने के बाद में। तो वैसे तो फ्रीज को जब मैं कुछ भी निकालती हूँ तो कपड़ा लगा देती हूँ, साफ़ कर देती हूँ बार बार, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ना हो ही जाता। सब्ज़ी वगैरह रखो तो इस वजह से, वैसे तो मैं सब्ज़ी पन्नी में बांध के रखती हूँ, हो ही जाता। तो ठीक है, मैं फ्रिज मेरा साफ़ हो चुका और मैं नहा ली। हेलो फ्रेंड, तो देखिए मैं सारा काम करने के बाद मैं नहा ली हूँ। देखिए मैंने बर्तन भी सारे धो दिए हैं, लेकिन अभी ये लगाने बाकी रहेंगे। थोड़ा उनका पानी निकल जाएगा तो मैं इन्हें लगाऊंगी। और मैंने फ्रिज भी साफ़ कर दिया है, मैं दिखा देती हूँ आपको फ्रिज साफ एकदम से। क्लीनिंग अच्छे से क्लीनिंग कर दी फ्रिज की, साफ़ हो गया है। देखिए चलिए अब देखती हूँ कर दोपहर की तैयारी, दोपहर में खाने में क्या बनेगा, उसके बाद मिलती हूँ आपसे दोपहर में। सानिया स्कूल से आ जाएगी, उसके बाद देखती हूँ क्या बनाना है। तो गाइस मैं जा रहा हूँ समोसा लेने के लिए। देखो गाइस, तो गाइस देखिए हमने समोसा ले लिए हैं। देखो गाइस कितना पानी भरा हुआ है यहाँ पे। हमने खाए समोसे और सानिया खा रही है पेटीज, नहीं पेटीज नहीं है, क्या है, ब्रेड पकौड़ा, सॉरी ब्रेड पकौड़ा खा रही है सानिया। इसका चटपटा खाने का मन कर रहा। रियान ने बता दिया ना कि मैंने समोसा खाया था, अच्छा है। दोस्तों सानिया भी स्कूल से आ चुकी है और अब मैं बना रही हूँ खाना। खाने में बना रही हूँ लौकी का रायता और रोटी। सानिया ने कहा मम्मी रायता और रोटी बनाओ, तो मैं रायता और रोटी बना रही हूँ। मिलते हैं खाना खाने के बाद। तो गाइस देखिए रायता मेरा बन चुका है। ये बनाया है लौकी का रायता और ये पालक की सब्जी है, और वो क्या है, आलू और लौकी है, आलू लौकी की सब्जी है रायते के साथ। आप ही बना, ये मैंने बनाई नहीं है, ये रखी थी फ्रिज में। तो और ये रायता मैंने भी बनाया, तो चलिए खाना खा लेते हैं। पपीता बाद में खाना, पहले बोलो कौन सा बोलेगा, पहले सानिया बोलेगी। 10 बार बोलना, 10 बार, अगर 10 बार बोले वो जीत जाएगा। 10 बार बोलना, कच्चा पापड़ पक्का पापड़ बोल। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। स्पीड, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का। ब्रियान की बारी है, नहीं तुम हार गई। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का। अम्मी बोलेंगी, बोलना मुझे बोलना। सबकी फिल्म बना रही हो, तुम्हारी बनेगी कच्चा पापड़।
रखेंगे, पांच बार बोलना है क्या? हम बोलेंगे पके पेड़ पर पका पपीता, पिंकू पकड़े पका पपीता, ठीक है पांच बार बोलना है। पके पेड़ पर पका पपीता, पिंकू पकड़े पका पपीता, पके पेड़ पर पिंकू नहीं पिंकू पिंकू मैं बोल रहा हूँ, पहले मैं बोल रहा हूँ। पके पेड़ पर पका पपीता, पिंकू पकड़े पका पपीता, पके पेड़ पर पका पपीता, पिंकू पकड़े पका पपीता, बोल रहे दोबारा हो गया। पके पेड़ पर पका पपीता, पिंकू पकड़े पका पपीता, पके पेड़ पर पका पपीता, पिंकू पकड़े पका पपीता, पके पेड़ पर पका पपीता, पिंकू पकड़े पका पपीता, पके पेड़ पर पका पपीता, पिंकू पकड़े पका पपीता। मैं जीत गया तो जीतेगा, पहले और को तो बोलने दे, अगर सबने बराबर बोला 10 बार तो जीत जाएगा। चलो हाँ क्या बोलना है? पके पेड़ पर पका पपीता और पिंकू पकड़े पका पपीता, और नहीं बोलना है, और बोलना है, मतलब बोलना तो यही लाइन है ना। हाँ हाँ तो पके पेड़ पर पका पपीता, पपीता और पिंकू पकड़े की बारी है, देखो मैं एक ही बार बोलूंगी, नहीं पांच बार बोलना है। पके पेड़ पर पका पपीता, पिंकू धीरे बोल रही है, पका पपीता धीरे बोल रही है, पके पेड़ पर पका पपीता, पिंकू पकड़े पका पपीता, पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा मैं। चलिए मजाक तो चलता ही रहेगा, बस यही जिंदगी है, बच्चों के साथ में ही टाइम कट जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही, वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।